Good morning, everyone. I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce. Direct tax subject के अंदर आज के session से हम लोग start करने जा रहे हैं हमारा new chapter जो कि है income from other sources. देखो direct tax के अंदर जो income होती है जो कि हमने starting वाले sessions में देखा था कि income क्या है और जो income होती है उसके ऊपर tax का calculation होता है और एसएससी को जो इनकम होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. लाइक यहां पर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो इनकम जो है एक पर्सन की एसएससी की उसको इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी के हेड में लिया जाता है और उसके ऊपर के पूरे कैलकुलेशंस अलग होते हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर किया जाता है. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. और जो ऐसी चीज है जिसको इन कैटेगरीज में नहीं रखा जाता है उसको हम लोग कवर करते हैं IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी इनकम IFOS के अंदर नहीं आती है कौन कौन सी चीजें कंडीशनल बेसिस के अंदर IFOS में आती है उस इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एग्जम्पशन क्या है ये सारी चीजें हम ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. और इस पूरे सेशन के अंदर ही हम सारी की सारी नोट्स डिस्कस कर लेंगे. इसके सेपरेट डिटेल वीडियोस हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी है. इसी तरह से ये बाकी के जो हेड्स है उनके भी सारे के सारे वीडियो सास एप्लीकेशन पर है उसमें से आप देख सकते हो ये समरी नोट्स को भी रिफर कर सकते हो ताकि एग्जाम के लिए आप बहुत ही कम टाइम में अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सको. चलिए तो यहां पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे. तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में काउंट होती है. देखो फॉलोइंग इनकम्स आर जनरली टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ IFOS. अभी उसमें कौन कौन सी इनकम की बात की हुई है तो देखो सबसे पहला रेंट फ्रॉम वैकंट लैंड. वैकंट का मतलब होता है खाली खाली जमीन मतलब ग्राउंड. देखो अगर हमने बिल्डिंग बनाई हुई है और वो बिल्डिंग का अगर हम लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें से जो इनकम कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा. अगर हमने हमारी प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है हाउस है वो किसी को किराए पे दिया हुआ है तो उसमें से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती है. बट यहां पर तो बिल्डिंग बनाई ही नहीं है हमारे पास मैदान है मतलब खाली जगह है पार्टी प्लॉट टाइप समझो. तो हमने वो वैकेंट लैंड किसी को दी हुई है रेंट पर और उसमें से रेंट की इनकम मिल रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट को क्रिकेट मैच क्रिकेट टूर्नामेंट रखनी है और इन भाई साहब का एक मैदान है मतलब खाली जगह है तो उसको हमने किराए पे लिया भाई आपकी जगह पर हमें क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करनी है. बोलो दो दिन का कितना किराया लोगे तो उसने बोला दो दिन के मैं 20,000 रुपए चार्ज करूंगा. तो वो 20,000 रुपए इनकम उनको हुई फ्रॉम वैकंट लैंड तो वो हाउस प्रॉपर्टी वाले में नहीं जा सकता. अगर घर होता बिल्डिंग होती और उसका इस्तेमाल हम करते रेंट पर तो उसको जो इनकम मिलती वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता. बट यहां पर खाली जमीन में से उसको जो इनकम मिली वो किस में जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. डिफरेंस समझ में आ रहा है. अगर बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग का किराया ले रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP में जाएगा. बट वैकंट लैंड खाली जमीन के ऊपर वो रेंट लेता है तो उसके लिए वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सिमिलरली रेंट फ्रॉम वैकंट लैंड ग्राउंड रेंट दोनों एक ही चीज है. देन इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स हमने स्टार्टिंग में इनकम में क्या क्या चीजें आती है वो डिस्कस किया था. उसके अंदर ऐसी भी इनकम आई थी कि भाई जो कौन से हेड में जाती है ना वो कंफ्यूजन है. मतलब इसको हम लोग सैलरी इनकम में डाले इसको हम लोग पीजीबीपी में डाले इसको इनकम को हम लोग HP में डाले किस में डाले समझ में ही नहीं आ रहा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में या आपको किसी ने कोई ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा आपको समझ में ही नहीं आ रहा ये डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है किसका है समझ में ही नहीं आ रहा है. उसी तरह से कोई इनकम हुई है बट वो इनकम का सोर्स क्या है मतलब हेड क्या है वो पता ही नहीं है सोर्स क्या है पता ही नहीं है. तो फिर अगर सोर्स ही नहीं पता है तो फिर हम किसके हेड में डालेंगे
तो अगर कोई हेड समझ में नहीं आ रहा है, कोई सोर्स पता नहीं है, कंफ्यूजन है, IFOS में डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसका सोर्स हमें नहीं पता है, अदर सोर्सेस में चला गया, तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय MPs और MLAs, ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय MP, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं वो। एंड MLA का मतलब, MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ना सांसद, मतलब हम गुजरात विधानसभा है तो गुजरात विधानसभा में MLA अपॉइंट होते हैं, हम लोग जो इलेक्शन में वोट देते हैं वो MLA को देते हैं हमारे एरिया के। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें MPs होते हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में इलेक्शन में जो लोग जीतते हैं वो लोग MLAs बनते हैं। तो MLAs या MPs को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ना, वो सैलरी में जाएगा, तो फिर वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें IFOS में आती है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम का है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आपको लिस्ट दिया होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई मैं IFOS का कैलकुलेशन कर रहा हूं या कर रही हूं तो इतनी इतनी चीजों का मुझे कंसीडर करना है। दूसरी चीज आएगी जिसका पार्शियल कंसीडर करना है, तीसरा एक लिस्ट होगा जो कंसीडर नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों को मैं IFOS के टोटल में डालूंगा। तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय MPs और MLAs, देन एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो भी IFOS में आती है। देन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मतलब आपको ये पता होगा कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, SSC जो है वो टैक्स पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, फिर हम लोगों को उतना, या कई बार ऐसा होता है कि TDS कट कर दिया जाता है, जब इनकम का सोर्स मतलब इनकम जनरेट हुई वहां से ही टैक्स कट कर देता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, अब वहां पर ही टैक्स कट कर दिया, मुझे इनकम हुई वहां पर ही टैक्स कट करके गवर्नमेंट ने ले लिया, फिर मैंने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइल किया जिसमें मुझे ये टैक्स भरने का बनता ही नहीं था, पर गवर्नमेंट ने तो मेरे पास से पहले ही टैक्स ले लिया था, तो वो टैक्स की अमाउंट जो मुझे भरनी ही नहीं है वो तो मुझे रिफंड कर देंगे, बट वो पैसा इतने टाइम के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखा तो उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हुआ ना, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि वो हमारा पैसा था जो कि हमें गवर्नमेंट को बनना पे करने का नहीं बनता था, बट गवर्नमेंट ने ले लिया था एक बार। फिर मैंने रिटर्न फाइल करके प्रूफ किया कि भाई देखो मुझे ये टैक्स पे करना नहीं है, आपने 45,000 मेरा टैक्स कट किया हुआ है जो कि मुझे भरना ही नहीं है क्योंकि मैं वो टैक्स स्लैब में आता ही नहीं हूं, तो लाओ वो मुझे पैसे वापस दो, तो 45,000 तो मुझे रिटर्न कर देंगे, बट वो 45,000 उन्होंने मेरे पास से 6 महीने पहले कट कर दिए थे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मुझे मिला वो भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देन डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115, मतलब वैसे डिविडेंड की इनकम IFOS में नहीं जाती है, पर कौन सी, ये वाली अंडर सेक्शन 115 वाली, पर उसके अलावा 115 सेक्शन के अंडर में जो डिविडेंड मिलता है उसके अलावा जो भी कंपनी के पास से डिविडेंड मिलता है वो सब जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम URPF, देखो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के पास से जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो भी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कंपल्सरी एक्विजिशन करती है प्रॉपर्टी का, स्पेशली लैंड का। कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि यहां पर हाईवे बनाने हैं तो वो हाईवे बनाने, मेट्रो ट्रेन बनानी है तो मेट्रो ट्रेन यहां से जाएगी तो वो जमीन तो सरकार को चाहिए, वो जमीन किसी फार्मर की है या किसी पर्सन की है तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली वो क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा, एक्विजिशन करना पड़ेगा। अभी उसके ऊपर वो कॉम्पनसेशन पे करता है बट सपोज वो लेट पे किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो पर्सन को ये इंटरेस्ट मिला किस चीज का, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन
for compulsory acquisition of property land etc by government of India. तो वो जो इंटरेस्ट मिला उस पर्सन को वो भी किसमें जाएगा, IFOS में. देन ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लेवल पर, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, जो बार बार नहीं होती है, नॉन रिकरिंग है, कभी कभार होती है, कैजुअल, रेगुलर नहीं, कैजुअल, कभी कभार, नॉन रिकरिंग, जो कि दूसरे किसी हेड में नहीं जाती है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा. सिमिलरली डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस का मतलब आपको पता है कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है, उसका मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर के इलेक्ट किए हुए मेंबर्स करते हैं, जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनकी टाइम टू टाइम मीटिंग होती है. अभी याद रखना, आपको पता होना चाहिए, आप बहुत सालों से स्कूलिंग लेवल से ये पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज, डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई नहीं है, पर डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं. तो वो मीटिंग करने के लिए आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कंपनी को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन तो मिलना चाहिए. अभी वो एम्प्लॉई तो है नहीं, तो सैलरी तो हो नहीं सकती, उनको पर सिटिंग फीस मिलती है कि आपने जितनी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो आपकी जो सिटिंग फीस होती है, मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की फीस, वो डायरेक्टर को मिलेगी. अभी डायरेक्टर को कंपनी के पास से फीस के फॉर्म में मिला तो रेम्यूनरेशन ही, बट वो कंपनी के एम्प्लॉई है नहीं, तो वो रेम्यूनरेशन को सैलरी में नहीं डाल सकते. तो किस हेड में डालेंगे, क्योंकि वो पीजीबीपी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो फिर वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्या चीज, डायरेक्टर को जो फीस मिलती है कंपनी के पास से वो. देन एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की फीस या एग्जामिनेशन में सुपरविजन या कोई भी आप समझ लो पार्टिसिपेट करने की फीस, अभी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं साहस इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय हूं, अभी साहस इंस्टीट्यूट में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मैं वो पूरी एग्जाम कंडक्ट करवाता हूं, तो मुझे बदले में जो मिलेगा, मैं एम्प्लॉय हूं साहस इंस्टीट्यूट का, तो मुझे जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, सर आप एम्प्लॉय हो तो आपको उसके लिए जो चार्ज मिलते हैं वो सैलरी का पार्ट है आपका. बट फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी वाले मेरे पास आते हैं और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि भाई आप यहां पर हमारी यूनिवर्सिटी में पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ, हम लोग नहीं करवा पाते, तो आप ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ, उसके बदले में हम आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए चार्ज दे देंगे. अभी देखो, एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवाने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 25,000 रुपए देंगे. अभी मैं यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई तो हूं नहीं, तो उनके पास से जो पैसे मिलेंगे वो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी तो हुआ नहीं, ना ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही वो मेरा बिजनेस है, तो वो पीजीबीपी में भी नहीं गया, तो वो किस में जाएगा, मुझे नॉन एम्प्लॉयर के पास. देखो, नॉन एम्प्लॉयर, मेरा एम्प्लॉयर कौन है, साहस इंस्टीट्यूट, तो उनके पास से मिलेगा तो वो मेरी सैलरी का हिस्सा, बट यूनिवर्सिटी वो मेरे एम्प्लॉयर नहीं है, वो मेरे बॉस नहीं है, उन्होंने बस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए मुझे हायर किया, तो उनके पास से जो मुझे एग्जामिनेशन फीस मिली वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. मतलब जब मेरे इनकम का कैलकुलेशन किया जाएगा टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो मुझे जो मेरे नॉन एम्प्लॉयर है, मतलब यूनिवर्सिटी, उनके पास से एग्जामिनेशन के लिए जो चार्ज, जो फीस मिलेगी, वो मैं किस हेड में लिखूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. देन डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग ये क्या है पता है, अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, गुजराती में नाम तुमने याद कराओ, बायधरी करार, बायधरी कमीशन, याद है किसी को बताओ यार, ये बहुत, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड से पढ़ने में आती है, कॉलेज लेवल पे भी आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी आ चुका है. देखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाहर, मतलब ये टॉपिक के बाहर मुझे जाना पड़ रहा है. हाँ बोलो,
चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में समझा देता हूँ, बल्कि उसने कहा वो सही है। मैं साहस स्मार्ट स्टडीज लिमिटेड नाम से कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवा रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी को तो ये सब झंझट में पड़ता ही नहीं होता है, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर ही नहीं सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ये आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आ चुका है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनी फाइनल अकाउंट में ये चीजें आ चुकी है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट पर अपने शेयर को रजिस्टर्ड करवाना चाहती है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल अपने शेयर इश्यू कर रहा हूं, अभी आपको पता हो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इश्यूड कैपिटल, कंपनी जितने शेयर इश्यू करते हैं उसका सर्टन पार्ट, जो कि मिनिमम कितना है, 90% या उससे ज्यादा हो सकता है, अगर कंपनी अपने एओए, एओए का फुल फॉर्म, एओए का फुल फॉर्म वे हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हो, एओए, एमओए, यार क्या कर रहे हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, गुजराती में याद कराऊं तो एमओए मतलब आवेदन पत्र, एंड एओए मतलब नियमन पत्र, और कंपनी अपने एओए में प्रोविजन करके ये 90% को बढ़ा भी सकती है, कम नहीं कर सकती। तो हम यहां पर पकड़ के चलेंगे 90% ही, कोई कंपनी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगी, कितना रिस्क उनके लिए ही बढ़ता है, ठीक है। तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब मैं 1,000 करोड़ के शेयर पब्लिक को इशू कर रहा हूं तो उसमें कम से कम 900 करोड़ के शेयर के लिए एप्लीकेशन तो मुझे मिलनी ही चाहिए। अगर मुझे 900 करोड़ यानी कि 90% के लिए एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो आई कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस। मुझे जिनके पास से पैसे आए भी है, सपोज 900 करोड़ मिलने चाहिए, मुझे मिला 800 करोड़ ही, 900 करोड़ चाहिए, 90% चाहिए, आए 800 करोड़ ही, 850 करोड़ ही, मैं कंपनी का काम स्टार्ट नहीं कर सकता, जो पैसा है वो सबको वापस कर दो, तो मतलब मेरी कितनी सारी मेहनत पानी में जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव है, जिनका लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, लोगों के उनके ऊपर भरोसा है, उनके साथ, और वो अंडरराइटिंग की फैसिलिटी देते हैं बाय द वे, तो वो गारंटी देते हैं कि भाई आपको 900 करोड़ चाहिए ना, 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए ना, मैं कलेक्ट करके दूंगा। अंडरराइटिंग वाला पूरा एक चैप्टर है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, ये सारी चीजें कवर की हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो यहां पर वो अंडरराइटर मुझे एश्योरेंस देगा कि भाई आपके 90% शेयर में बिकवा दूंगा, अगर नहीं बिके 850 करोड़ के ही बिके तो 50 करोड़ के शेयर मैं खरीद लूंगा, पर आपको 900 करोड़ इकट्ठा करके दूंगा ताकि आप अपना बिजनेस कर सको। तो वो ऐसी फैसिलिटी, इसी गारंटी मुझे मुफ्त में तो देगा नहीं, उसके बदले में वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। तो जो डायरेक्टर ने ये काम किया है, डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, उसको ये जो कमीशन की इनकम मिली वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एंड फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन मतलब डेड पर्सन, जो फैमिली पर्सन की डेथ हो गई है उनके जो फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता है, अभी एग्जांपल के तौर पर, ये प्योरली एग्जांपल है, इसको रियलिटी मत समझ लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाविन सर है, उनकी डेथ हो गई, डेथ हो जाती है, और मैं साहस इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहा था, तो जब मेरी डेथ हो जाएगी या मैं रिटायर होता हूं तो मेरी फैमिली को पेंशन मिलता है, ये वर्ड आपने सुना होगा, पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये सब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाले बेनिफिट है। तो यहां पर मेरी फैमिली को पेंशन मिला, मान लेते हैं मेरी वाइफ को पेंशन मिला, तो उनके लिए इनकम हुई। अभी जब उनका टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो उनको जो पेंशन मिला, जो पेंशन किसका था, मेरा वाला, वो उनको मिलेगा, तो वो कौन से सोर्स में डालेंगे उनकी इनकम को, क्या वो उनकी सैलरी की इनकम है, नहीं, वो कहां पर जॉब कर रहे थे, जॉब तो मैं कर रहा था, क्या उनको हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम मिली, हाउस प्रॉपर्टी तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, क्या वो उनका प्रोफेशन या बिजनेस था पेंशन लेना, नहीं, तो ये किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने 14 देखा ना, 15, कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट
compensation or payment received in connection with the termination of his employment or modification of terms and conditions of employment. क्या बोला है? Compensation or any other payment received in connection with the termination of his employment. Termination of employment मतलब जॉब से निकाल. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा साहस इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जो कि नॉर्मली होता है. इसका एक एग्जाम्पल मैं दू, पर आई थिंक आप लोगों ने शायद वो मूवी देखा हो या ना देखा हो, आई डोंट नो. कुछ टाइम पहले एक मूवी आया था फैशन करके, प्रियंका चोपड़ा कंगना रनौत वाला मूवी था, फैशन इंडस्ट्री के बारे में था वो. मधुर भंडारकर जो कि काफी अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, रियल लाइफ बेस्ड मूवीज बनाते हैं, उसके अंदर ऐसा था कि जो कंगना रनौत थी वो एक कंपनी थी, आई थिंक पनाश नाम की कंपनी, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी. जैसे हम लोग देखते हैं कि पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला है, सबके लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर होते हैं. शाहरुख खान होता है, अमिताभ बच्चन होता है, रणवीर सिंह होता है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर थी. अभी उसको कुछ इश्यू की वजह से निकाल देना है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले निकाल देते, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. देखो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं और उसके लिए मैं आपको कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ. उसमें वो बोलते हैं, वो डायलॉग भी है कि हम आपको कॉम्पनसेशन भी ज़्यादा दे रहे हैं ताकि कोई इश्यू ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कुछ गलत किया, मुझे निकाल दिया. भाई निकाल दिया पर तुमको पैसे ज़्यादा दे के निकालते हैं, सर ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कि उसके रहने की वजह से कंपनी को और नुकसान होता हो, तो उससे तो अच्छा है भाई तुम चले जाओ, ज़्यादा पैसे लेके जाओ पर जाओ. तो यहां पर क्या बोला है? कॉम्पनसेशन या कोई और पेमेंट जो कि रिसीव हुआ है इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले टर्मिनेट कर रहे हो, उसके लिए कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, तो वो सैलरी नहीं है ना, पीजीबीपी है ना, हाउस प्रॉपर्टी क्या इनकम है, तो वो भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. एंड द लास्ट वन, एडवांस फोरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट on or after 1st April 2014, which is taxable under the head IFOS under section 56(2) subsection 9. तो ये खाली नाम याद रखना है, advance forfeited on transfer of capital asset. तो ये 16 item ऐसी है जो कि cover होती है under the head income from other sources में. क्लियर? चलो जल्दी से मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको एक बार क्विकली रिफर कर लो. चलो यहां तक की चीजें सारी रिफर कर ली हो, तो उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनकम, फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर आईएफओएस. देखो क्या बोला है कि ये इनकम आईएफओएस के अंदर कंसीडर की जाएगी इफ दे आर नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. मतलब नॉर्मली ये इनकम ऐसी है जो पीजीबीपी में आती है, बट अगर उसको पीजीबीपी में कंसीडर नहीं किया गया है तो फिर आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. तो ये कंडीशनल हो गया. ऊपर की जो हमने आइटम्स देखी वो सब क्या था कि ये 16 चीजें तो आपको आईएफओएस में ही लेनी है, पर ये क्या है कि अगर आपने इसको पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं कवर किया है तो फिर आप इसको आईएफओएस में ले लो, जिसमें क्या क्या चीजें हैं. तो पहला, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और एसएफ एटसेट्रा रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर इफ नॉट रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट. मतलब कि एम्प्लॉयर को मिला है बट उसको रेमिट करना था, वो उसने रेमिट नहीं किया है. देखो पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के पास से कट किया, अभी वो क्या करना होता है पीएफ अकाउंट में रेमिट यानी कि सबमिट करवा देना है, पर उसने नहीं करवाया है तो वो पैसे उसके पास रहे, तो फिर उसको वो ट्रांसफर करेगा या तो पीजीबीपी के अंडर अगर उसमें कवर नहीं किया, जो कि नॉर्मली नहीं कवर होता है, तो उसको फिर कवर किया जाएगा आईएफओएस में. देन सेकंड, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट व्हेन लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर. देखो क्या बोला है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, लेटिंग आउट मतलब किराए पे देना, भाड़े पे देना, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग, लेटिंग मतलब अगेन किराए पे, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर. मतलब प्लांट मशीनरी फर्नीचर के साथ साथ लैंड भी, यानी कि यहां पर बिल्डिंग भी किराए पे दी है. अगर सिर्फ बिल्डिंग है तो वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से, बट अगर ऐसा है कि हाउस प्रॉपर्टी से प्लांट मशीनरी फर्नीचर उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ अटैच है,
ग्राउंड के साथ अटैच है, तो फिर उसको हम लोग कवर करेंगे आईएफओएस में। अगर पीजीबीपी में नहीं आता है तो सिर्फ बिल्डिंग के लेट की बात की होती तो वो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में जाता, पर यहां पर क्या बोला है कि लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विच इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, कि बहुत सारे बड़े बड़े मशीन ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के साथ जमीन के साथ फिट किए जाते, तो अभी उसको सेपरेट करके नहीं दे सकते, तो उन केस की बात है ये। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एटसेट्रा, रॉयल्टी इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और हायर, ये तो आ ही गया, मतलब प्लांट मशीनरी या फर्नीचर का किराया जो मिल रहा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का किराया वो अलग है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर्स वो हम किराए पे देते हैं तो उसका किराया अलग है, तो अगर वो हमारा बिजनेस ही है तो वो पीजीबीपी में जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जेसीबी है वो लोगों को किराए पे देता हूँ, कि जहां पर भी म्यूनिसिपैलिटी का काम चल रहा है या किसी को भी प्राइवेटली काम करवाना है और आपको जेसीबी चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा काम ही है, तो उसमें से जो रेंट मिलता है वो मेरे पीजीबीपी का चला जाएगा, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि वो मेरा बिजनेस ही है। बट ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है, बट किसी को जरूरत थी कोई बार तो मैंने दे दिया और उसमें से मुझे वो इनकम मिली, तो वो जाएगा फिर या तो पीजीबीपी में, पर अगर पीजीबीपी में नहीं जा रहा है तो फिर जाएगा वो आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। एंड लास्ट मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ केआईपी, ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है, प्लस बोनस इफ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, विच इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर देन पीजीबीपी, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई देन सैलरी, ये टिक करना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है देखो, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ केआईपी इफ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई के अलावा किसी को मिलता है ये केआईपी, जो कि यूनिट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, या उसके इंटरेस्ट की अमाउंट, तो वो जाएगा आईएफओएस में, अगर पीजीबीपी में नहीं जाता है तो आईएफओएस में, अगर किसको मिलता है तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई के अलावा किसी और को मिलता है, तो देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, केआईपी प्लस इंटरेस्ट, अभी तीन लोगों को मिल सकता है यहां पर बोला है, या तो एम्प्लॉयी या तो एनी अदर पर्सन। अब अगर एम्प्लॉयर को मिलता है ये केआईपी की मैच्योरिटी की अमाउंट या तो फिर उसके इंटरेस्ट की अमाउंट, तो वो किसके हेड में लिखा जाता है, अभी देखा मैंने हाईलाइट किया पीजीबीपी, देखो ये रहा, तो वो जाएगा इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर वो केआईपी या उसके इंटरेस्ट की अमाउंट मिलती है एम्प्लॉई को तो किसके हेड में जाएगा, बट ना वो एम्प्लॉयर को मिला है ना ही एम्प्लॉई को मिला है, किसी और पार्टी को मिला है, लाइक एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को मिला है, तो वो किस में जाएगा, आईएफओएस में, अगर पीजीबीपी में उसने नहीं लिया है तो, जो कि मोस्टली आईएफओएस में ही लेंगे क्योंकि वो बिजनेस प्रोफेशन का काम है ही नहीं, केआईपी या उसके इंटरेस्ट की अमाउंट ये बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाती है, तो अगर उसमें उसने नहीं लिया है तो फिर वो आईएफओएस में दिखाएगा। ये सारी की सारी नोट्स यहाँ पर जो केआईपी है ऊपर सारे फुल फॉर्म के साथ मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया, हमारी साहस एप्लीकेशन पर है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर मुझे ये लिखना है ये एग्जाम्पल लिखना है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल लिखी हुई नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। देखो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड वो ऑलवेज आईएफओएस के अंडर ही आता है, डिविडेंड ऑलवेज अंडर आईएफओएस। देखो अभी यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है, क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी है, तो पहला है डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के पास से डिविडेंड मिलता है तो टैक्सेबल टू शेयर होल्डर एट द स्लेब रेट ऑफ असेसमेंट ईयर, अभी असेसमेंट ईयर यहां पर जो भी एप्लीकेबल होगा वो लगेगा, असेसमेंट ईयर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मेन चीज क्या है कि इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड मिला है वो किसको टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर को, और कौन से हेड में जाएगा,
IFOS में, ठीक है। देन सेकंड, डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी है तो टैक्सेबल इफ रेसिपियंट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एनी वन इफ रिसीव्ड इन इंडिया। देखो क्या बोला है, ये हमने ऑलरेडी जो स्टेटस है SSC का ऑन इनकम, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके साथ कनेक्टेड है। देखो याद करो, उसके अंदर था कि इंडियन कंपनी का कोई भी डिविडेंड मिलता है तो वो ऑलवेज इंडियन इनकम मानी जाती है। इंडियन इनकम होती है तो तीनों ही स्टेटस में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, सब में टैक्सेबल होता है। कौन से हेड में होगा? IFOS। अगर फॉरेन कंपनी है तो यहां पर देखना क्या है कि अगर रेसिपियंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रिसीव्ड इन इंडिया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड इंडिया में रिसीव हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। याद करो, नॉन रेसिडेंट को वो टैक्सेबल नहीं है, तो ऑब्वियस है कि टैक्सेबल ही नहीं है तो वो इनकम के अंडर में आएगा ही नहीं। एंड थर्ड, डिविडेंड बाय MF म्यूचुअल फंड या UTI तो इट इज टैक्सेबल, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही कवर किया जाएगा। असेसमेंट ईयर जो भी कंसिडर होता है वो, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का प्लान, तो उसमें से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो भी हमेशा इंडियन इनकम मानी जाती है। इट इज ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड IFOS। हावेवर, अब यहां पर कुछ कंडीशंस है जो कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। हावेवर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी बिफोर 1 अप्रैल 2020 एंड रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, यहां पर 23 हो जाएगा, रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स आफ्टर 23 एंड ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 1150 एट 15%, ये कौन सा है पता है? DDT। सर वो पाउडर आता है वो नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि कंपनी पे करती है। तो अगर कंपनी ने ऑलरेडी DDT पे कर दिया है तो फिर उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं पे करना है। क्या कॉन्सेप्ट कहना चाहते हैं जरा ध्यान से समझ लो। डिविडेंड क्या है? व्हाट इज डिविडेंड? शेयर पर जो रिटर्न मिलता है वो, ओके करेक्ट। अभी भी थोड़ा और दूसरा आंसर, प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का होता है, सारे शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उनको इनकम होगी, तो इनकम होगी तो वो लोग टैक्स पे करेंगे। भी कई बार क्या होता है कि इतने सारे शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग टैक्स लेना, वो लोग दिखाए ना दिखाए, इससे अच्छा है कंपनी के ऊपर ही हम लोग टैक्स ले लेते हैं। कंपनी के पास से ही वो डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स ले लो पहले ही 15%। भी आप फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो ना, तो उसके ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स पे कर दो। तो कंपनी के ऊपर ही ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का टैक्स ले लिया, जिसको कहते हैं DDT। अगर वो चार्ज नहीं हुआ है, अगर वो चार्ज नहीं हुआ है तो SSC यानी कि जो पर्सन शेयर होल्डर है जिसको डिविडेंड मिला वो टैक्स पे करेगा अंडर IFOS। अगर पे हो गया है, देखो, हाउएवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी एंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 115 एट 15% जो कि DDT का रेट है, तो उसको क्या बोला है? एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इफ कंपनी हैज पेड DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शेयर होल्डर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसको फिर टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि अगर वो भी पे करेगा तो डबल टैक्स हो गया। मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी टैक्स पे किया और बाद में भी टैक्स पे किया, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। तो ऐसा नहीं होता, या तो कंपनी के ऊपर चार्ज करके कंपनी के पास से ले लेंगे, अगर कंपनी के पास ऑलरेडी DDT चार्ज हो गया है तो फिर शेयर होल्डर को
वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता है। अगर कंपनी के ऊपर डीडीटी नहीं लगाया गया है तो जो शेयर होल्डर है उसको वो डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होगा, जो कि जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। देखो क्या बोला है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, ये ऑलरेडी आ चुका है कि जो इंडियन कंपनी होती है उसकी डिविडेंड की इनकम हमेशा इंडियन इनकम मानी जाती है, तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही, भले वो आउटसाइड इंडिया है बट इंडियन कंपनी है। अगर फॉरेन कंपनी है तो ये देखा जाता है क्या उसका मैनेजमेंट कंट्रोल भारत से होता है या नहीं, बट अगर इंडियन कंपनी ही है मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, फिर भले काम वो यूएस में करती हो और उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो भाई इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन इनकम हो गई। तीनों ही स्टेटस पर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, सबको टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर, ये सारी चीजें आगे आ ही चुकी है। देन एनी इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या बोला है, यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, द स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D सेल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेन चीज है जो ऊपर थी वो आपको याद रखनी है। मेन क्या कि इंडियन इनकम के, इंडियन कंपनी के ऊपर, इंडियन कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो जाएगा इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। फॉरेन कंपनी है तो देखना है कि एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगा, एंड अगर डीडीटी कंपनी के ऊपर चार्ज हो चुका है तो फिर शेयर होल्डर को फिर से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, चाहे एमसीक्यू हो या फुल फ्लेज एग्जाम्पल हो, ये कंडीशन हमको ध्यान रखनी है। ये हमको दिया है, देख लो ये शेयर होल्डर है, कंपनी ने ऑलरेडी डीडीटी चार्ज कर दिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में उसको इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। आपको दिया है बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर डीडीटी पे नहीं किया ऐसा मेंशन किया है तो फिर आईएफओएस के अंदर हम उसको टोटल में कंसिडर करेंगे। बस यही चीजें ध्यान रखनी है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फुल फ्लेज क्वेश्चन हो। देन इसी के अंदर आगे डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली। डीम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड मान लेना। अभी देखो, डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स विच रिलीजेस कंपनीज असेट। क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी के पास जो अभी तक एक्यूमुलेट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। नोट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, नो असेट्स आर रिलीज्ड, दस इट इज नो डीम्ड डिविडेंड। ये याद रखना है, क्या, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये तो बोनस शेयर है वो डीम्ड डिविडेंड मतलब उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। बोनस शेयर क्या है, फ्री में दिए हुए शेयर। अभी उसमें होता क्या है, कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचा है, वो कौन से हेड में लिखा जाता है वो पता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस। तो अभी रिजर्व सरप्लस में जो फंड है वो बहुत ज्यादा है तो कंपनी क्या कर सकती है, भाई वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दो, तो डिविडेंड देंगे तो डीडीटी लगेगा या तो फिर शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड का, या तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे दो, फ्री में शेयर दे दो। तो अगर बोनस शेयर दिए है तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा, तो उस केस में डीम्ड डिविडेंड के तौर पर उसको इनकम नहीं कंसीडर किया जाएगा और टैक्सेशन पर्पस आईएफओएस में नहीं गिना जाएगा, तो बोनस शेयर देना एडवाइजेबल है। सेकंड, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ बोनस और डिबेंचर, बोनस डिबेंचर्स और डिबेंचर स्टॉक टू एनी शेयर होल्डर्स या बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नो डिविडेंड इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पर यह भी क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, देखो डीम्ड डिविडेंड तो ही माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली। तो यहां पर भी क्या बोला है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑफ, कैसे, रिलीज ऑफ असेट इज नॉट नेसेसरी। क्या कर रही है कंपनी, बोनस डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक दे रही है शेयर होल्डर को, तो बोनस में मिला मतलब फ्री में डिबेंचर्स दिए, या फिर बोनस शेयर्स देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को,
तो भी वो इसी हेड के अंडर जाएंगे। देन तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी जब लिक्विडेट होती है, कॉर्पोरेट अकाउंट में ये सारी चीजें आ चुकी है आपको, लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम के पूरा चैप्टर था। तो अगर कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तब प्रॉफिट हुआ है। लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होता है, असेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं, अभी उसमें सरप्लस बचा, ज्यादा रुपए में असेट बिकी, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लिक्विडेशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर लिक्विडेशन इज नॉट डिविडेंड, इट इज द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कंपनी की सारी असेट्स डिस्पोज की। ध्यान से समझ रहा हूं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी याद नहीं रहेगा। फिर क्या कहा है कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है, मतलब कंपनी वाइंड अप होती है, क्लोज होती है, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर ये पूरा चैप्टर आ चुका है, आप चाहो तो उसका भी वीडियो देख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंट वाले अंदर। तो यहां पर लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी असेट्स सेल करती है, लायबिलिटीज पे करती है। अभी सपोज कंपनी की असेट्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो बेच के बहुत अच्छे खासे पैसे मिले, लायबिलिटी सारी की सारी पे कर दी, उसके बाद भी सरप्लस बचा, तो वो सरप्लस जो बचा वो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी आखिर में पैसा किसको देती है, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो सारी की सारी लायबिलिटीज पे कर देने के बाद जो सरप्लस बचता है वो शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल के तौर पर वापस किया जाता है। तो यहां पर वो शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के टाइम पे ये पैसा मिल रहा है, तो वो डिविडेंड का फॉर्म नहीं है, वो क्या है, रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल। उन्होंने जो शेयर में पैसे लगाए थे उनका रिटर्न उनको मिल रहा है, डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, तो इसको फिर IFOS में कंसिडर नहीं करेंगे एज डिविडेंड, बिकॉज वो क्या है, इट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड नॉट डिविडेंड। देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नॉट डिविडेंड, ठीक है, जो हमारी कैपिटल थी वही हमको वापस मिली है, कोई इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो फिर उसके ऊपर कैसे टैक्स लगाए। देन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, देखो क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कंपनी रिड्यूस कर रही है, मतलब ये भी एक तरह से क्या हुआ, कैपिटल रिटर्न करना, वो भी समझा देता हूं, कैपिटल रिटर्न करना मतलब कंपनी को जब जरूरत थी तो मैंने शेयर इश्यू करके आप लोगों के पास से पैसे कलेक्ट किए, अभी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, मतलब कंपनी के पास फंड है, तो कंपनी क्या करती है, भाई आपके पास से शेयर वापस ले लेती है अगर आप देना चाहो तो, जबरदस्ती नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई कुछ शेयर होल्डर ऐसा है कि मार्केट में सहस इंडस्ट्रीज के शेयर की प्राइस चल रही है 860 रुपए, कंपनी हमको 900 रुपए की ऑफर दे रही है कि आप 900 रुपए में हमको वापस दे दें, दे देते हैं, मुझे वैसे भी बेचना था तो मैं मार्केट में बेचूं, उससे अच्छा है कंपनी को ही बेच दूं। तो कंपनी क्या करेगी, वो शेयर आपके पास से लेके आपको पैसे दे देगी, अभी आपको पैसे दिए तो आपको वैसे तो पैसे मिले, तो फिर इनकम चलो टैक्स पे करो, तो यहां पर ऐसा कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो भी यहां पर ऐसा नहीं माना जाए, आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल ही हो रहा है, कोई प्रॉफिट या कोई इनकम नहीं हुई, आपने जो पैसे लगाए थे वो पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, अभी मैं वो 10,000 रुपए आपको वापस करूं तो 10,000 रुपए आपकी इनकम हो गई, भाई वो जो पैसे लिए थे वही आपने मुझे वापस किए, वो मेरी इनकम नहीं है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स पे करूं। आपको बिजनेस में से इनकम हुई, आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, या सैलरी मिली 10,000 रुपए की, तो उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे एज इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम PGBP। आपने बिजनेस किया या आपने जॉब की और आपको 10,000 रुपए की सैलरी या 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो क्या वो PGBP या सैलरी के इनकम के हेड में जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। अभी मैं आपका फ्रेंड हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपके पास आया, यार दोस्त प्लीज पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपए देना, मैं 2 महीने के बाद तेरे को रिटर्न कर दूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ठीक है चल तू फ्रेंड है 10,000 रुपए दे देता हूं, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, 2 महीने बाद मैं आपको 10,000 रुपए वापस कर रहा हूं, देखो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं फिर से, तो 10,000 रुपए के ऊपर आप फिर से टैक्स पे करोगे क्यों, 10,000 रुपए मिले ना आपको,
पहले 10,000 रुपये मिले तो आपने टैक्स पे किया, अभी फिर से 10,000 रुपये मिले तो क्यों टैक्स नहीं पे करोगे? सर वो हमारी इनकम नहीं हुई, वो तो हमने आपको पैसे दिए थे, वही आपने हमको वापस किए, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। हाँ, अगर उसके ऊपर आपने मेरे पास से कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम हुई। 10,000 रुपये मुझे आपने दिया पर आपने बोला दोस्त दोस्ती की जगह पर अलग है, तू आना तेरे को चाय पिलाऊंगा, पर पैसे तू उधार ले रहा है तो मैं 1,000 रुपये इंटरेस्ट भी लूंगा। 1,000 रुपये इंटरेस्ट, ये आपकी अलग इनकम हुई, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पर जो 10,000 रुपये आपने मुझे दिए थे जो कि आपको वापस मिल रहा है, तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। सेम वैसा ही है यहाँ पर। देन ई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी बाई द वे ऑफ एडवांस और लोन टू, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू क्लोजली हेल्ड कंपनी। अभी उसमें अगर शेयर होल्डर्स है तो बेनिफिशियली होल्डिंग एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी जैसा पॉइंट समझ लो। एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर और बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, एनी कंसर्न, कंसर्न मतलब जो कोई बिजनेस पेड़ी, इन विच सच शेयर होल्डर्स हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर। यहां पर एक एग्जम्पशन क्या याद रखना है, मनी लेंडिंग इज सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड लोन इज गिवन इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब वो बिजनेस का पार्ट है लोन देना, तो वो पीजीबीपी में जाता है क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। अगर वो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो फिर उसके ऊपर आईएफओएस के अंडर में कंसीडर किया जाएगा। सेम मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहां पर बार बार ऐसा आया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो यहां पर आपने देखा हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या, सिर्फ रेफरेंस के लिए, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल वर्ड्स में बता दूं आपको, ना भी पढ़ना हो तो, जो कंपनी ने प्रॉफिट इकट्ठा किया हुआ हो अभी तक, वो सब जाता है उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। मतलब मैंने पैसे कमाए, वो सारे के सारे पैसे मैंने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिए, वो मैंने कुछ मेरे पास बचा के रखे, कंपनी के एंगल से सोच के बता रहा हूँ, तो वो क्या हो गया कंपनी के लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, भंडोड़, एकत्रित करेलू भंडोड़, तो वो होता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके लिए अगर आप चाहो तो ये सारे पॉइंट्स जो है क्या आता है वो आप पढ़ सकते हो, बट सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट जो कि किसी और पर्पज से यूज नहीं हुआ है। इसके बाद ये भी कहा था कि कैजुअल इनकम जो होती है, कभी कभार होने वाली इनकम, वो भी आईएफओएस में आता है, तो उसमें क्या पॉइंट्स हैं। देखो कैजुअल इनकम के अंदर एक कैटेगरी है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी लग गई और पैसे मिले, मैंने चिट फंड लॉटरी खरीदी थी और वो टिकट मुझे लग गई तो मुझे पैसे मिले, तो यहां पर देखो फिक्स ही है, टैक्सेबल एट 30% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस 4% HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये चीजें मुझे कंपलसरी पे कर देनी है IFOS में, भले मेरा टैक्स ब्रैकेट कुछ भी हो, मतलब मैं जो SSC हूं मेरी इनकम 10% टैक्स में आती है, 20% टैक्स में आती है, या मुझे टैक्स ही नहीं पे करना है उस कैटेगरी में आता है, तो भी आपको लॉटरी से जो भी पैसा मिलता है, चाहे वो 1,000 रुपए की लॉटरी लगे या 1 करोड़ की लॉटरी लगे, आपको क्या कर देना है, 30% स्ट्रेट वे टैक्स प्लस सरचार्ज का जो भी रेट एप्लीकेबल होता है वो, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इतना मुझे पे कर ही देना है। याद रखना 30% प्लस सरचार्ज प्लस HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट इवन एक्सपेंस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट। मैंने 1,000 रुपए की जो लॉटरी की टिकट जीता, लॉटरी जीता, वो उसकी 100 रुपए की तो मैंने टिकट खरीदी थी, तो 100 रुपए तो मेरे खुद के लगाए हुए थे, तो वो तो डिडक्शन मिल जाने चाहिए ना, मेरी इनकम तो 900 की हुई, 100 रुपए की मैंने टिकट खरीदी, 1,000 रुपए मुझे लॉटरी में मिले, तो 900 रुपए ही मेरी तो नेट इनकम हुई ना, तो फिर 900 रुपए के ऊपर मैं 30% पे करूंगा ना, नहीं, आपको जितनी भी लॉटरी की टिकट लगी है, मतलब लॉटरी में आप जीते, वो सारी की सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है, उसमें आपने जो भी कोई खर्चा किया है वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन नॉट अलाउड अगेंस्ट कैजुअल इनकम, ये भी ऑलरेडी हमने देख लिया, यहां पर जो कहा था वही,
कोई डिडक्शन नहीं मिलता है उसमें। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बिल नॉट अलाउड अगेंस्ट कैजुअल इनकम, मतलब याद ये रखना है कि कैजुअल इनकम में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। टोटल अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे कर देना है। तो आपको कंफ्यूज कर देने के लिए बता सकते हैं कि भाई मिस्टर ए को 10,000 रुपए की लॉटरी लगी, जिसके पीछे उनको वो क्लेम करने के लिए 500 रुपए का खर्चा हुआ और 2,000 रुपए की उन्होंने टिकट खरीदी थी। तो अभी कितनी अमाउंट IFOS के अंडर में जाएगी? तो जितनी लॉटरी टिकट उनको लगी है वो पूरी की पूरी अमाउंट, कोई डिडक्शन उनको मिलने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट सोर्स है इनकम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम मिलती है तो भी वो IFOS में जाता है। तो सिक्योरिटीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, उसमें से जो इनकम मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, वो IFOS में जाएगा। सिक्योरिटीज हेल्ड एज SIT वो जाएगा PGBP। SIT मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। तो वो शॉर्ट टर्म हुआ तो PGBP, शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेडिंग करके जो पैसा मिलता है वो। देखो समझो ये क्या है इन्वेस्टमेंट और ये क्या है शॉर्ट टर्म। तो मैं ट्रेडिंग करता हूं, आज मैंने शेयर खरीदा, 2 दिन के बाद भाव बढ़ गया, मैंने बेच दिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो जाएगा मेरा PGBP में। ये मेरा प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खरीद बेच कर रहा हूं, खरीदा बेचा और प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, उसमें टैक्स ज्यादा लगता है। पर अगर मैंने शेयर खरीदे थे, 5 साल के बाद बेच रहा हूं, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर खरीदे, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी, तो उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ध्यान से समझो क्या कहा, मैंने कोई कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक खरीदा, डिबेंचर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, कुछ भी है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, तो मुझे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता बेचता हूं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट मिला है जो कि मैंने लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदा ही नहीं था, शॉर्ट टर्म में खरीदा, उस टाइम पे इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो मुझे मिला, तो वो जाएगा मेरा PGBP में। ये ध्यान रखना है। तो आपको ये दोनों चीजें दे सकते हैं, और आपको बोला हो कि कैलकुलेट टोटल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो शॉर्ट टर्म का होता है वो कंसिडर नहीं करना होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो IFOS में गिननी है। अगर आपने कोई भी अमाउंट जो नहीं गिननी है वो गिन ली, या जो गिननी थी पर इग्नोर की, तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। एग्जम्पशन क्या मिलेगा यहां पर ध्यान रखना है, एग्जम्प्ट फ्रॉम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अप टू 3,500 रुपीज टू इंडिविजुअल, ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब यहां तक का इंटरेस्ट है, टैक्स नहीं पे करना है, मतलब वो एग्जम्पशन होगा। एंड अप टू 7,000 फॉर ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट मतलब दो या ज्यादा लोगों के नाम पर अकाउंट है, तो ऑब्वियसली 3,500 3,500 7,000 हो जाते हैं। तो अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,500 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलेगा, और ज्वाइंट नाम पर है तो 7,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। उससे ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो सब टैक्सेबल होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भाई ये हम लिखेंगे बट पूरी की पूरी अमाउंट नहीं जाएगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में था और उसमें से इंटरेस्ट मिला है, तो फॉर एग्जाम्पल 15,000 का इंटरेस्ट मिला, तो 15,000 IFOS में नहीं जाएंगे, उसमें से 3,500 रुपए का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 15,000 माइनस 3,500, 11,500 ही IFOS में जाएंगे। अगर ऐसा है कि ये पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट जो है वो दो नाम के लोग ज्वाइंट, अभी दो की जगह पर तीन भी हो ना, तो ऐसा नहीं करना है सर तीन है तो 3,500 3,500 3,500 3 कर दे, नहीं, ज्वाइंट के लिए 7,000, फिर वो दो नाम हो या तीन नाम। तो अगर उसके अंदर दो नाम दिए हैं आपको तो फिर 15,000 माइनस 7,000 करके 8,000, क्योंकि 15,000 मिले, ज्वाइंट नाम है तो 7,000 की लिमिट है एग्जम्पशन की, तो वो माइनस कर दो, तो बाकी बचे 8,000, वो फिर IFOS में जाएगा। छोटी छोटी चीज है बट याद रखनी है, ठीक है, और ये सीधी काम की चीजें ही है, तो आपको ये सारी चीजें याद ही रखनी है। बट समझ लो कि 3 स्लाइड में सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ IRFLC NHAI RECL PFCL, ये सब गवर्नमेंट कंपनी, तो उसके ऊपर, उसके बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो टोटली एग्जम्प्ट होता है। कई बार आपने सुना होगा कि टैक्स फ्री बॉन्ड है खरीद लो, शायद आपने ना सुना हो पर आपके पापा बात करते हो कि टैक्स फ्री बॉन्ड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है, तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना
उस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो लोग उसको खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सेफ्टी ज्यादा, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स भी है, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि बैंक के पास से या किसी और के पास से वो लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उससे अच्छा यहां पर सीधा पब्लिक के पास से ले ले, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इस स्कीम के अंदर जिसने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड खरीदे और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला हो, तो भी भले वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ, सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट की इनकम हुई, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो वो IFOS में नहीं गिनना है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। तो लिखेंगे वर्किंग में कि भाई देखो ये बॉन्ड माइनस एग्जम्पशन फुल अमाउंट, तो आउटर कॉलम में IFOS में जीरो, एंड इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट बॉन्ड। तो ये ऐसी चीज है जिसमें टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट एग्जम्प्ट होती है। देन ग्रॉसिंग अप ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इफ नेट अमाउंट इज गिवन इट शैल बी ग्रॉस्ड अप, टैक्स विल बी लेविड ऑन ग्रॉस इनकम। ये याद रखना है कि टैक्स ग्रॉस इनकम पे लगता है। ग्रॉस इनकम का मतलब क्या? जो एक्सपेंस वगैरह किए हैं ना वो डिडक्ट नहीं मिलेंगे, अगर डिडक्शन कर देने के बाद लगता है तो वो नेट हो गया। मतलब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, 1,000 रुपए की लॉटरी लगी, उसमें 100 रुपए मैंने खर्चा किया था लॉटरी की टिकट खरीदने में, तो अगर मेरी ग्रॉस रिसिट देखू तो 1,000, पर नेट रिसिट देखू तो 900 रुपए, 900 रुपीज। यहां पर टैक्स किसके ऊपर लगेगा, नेट के ऊपर या ग्रॉस के ऊपर? ग्रॉस के ऊपर, मतलब 1,000 के ऊपर, मतलब कोई एक्सपेंस डिडक्ट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो या इंटरेस्ट वाला हो, देखो ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट अपॉन 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, मतलब 1 माइनस 30% है तो 1 माइनस 0.3, यानी कि 0.70 हो जाएगा, 25 है तो 1 माइनस 0.25। इफ ग्रॉस अमाउंट इज गिवन नो ग्रॉसिंग अगेन, मतलब ग्रॉस अमाउंट ही दे दिए तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर ना दी हो, नेट अमाउंट दी हो, तो फिर ये करना पड़ेगा। ग्रॉस अमाउंट मैंने क्या बताया, 1,000 रुपए मुझे लॉटरी में से मिल गए, पर अगर ऐसा नहीं बताया, नेट अमाउंट बताइए और टैक्स के परसेंटेज दिए है, तो ग्रॉस अमाउंट में ढूंढूंगा नेट अमाउंट अपॉन 1 माइनस टैक्स, वो मैं करूंगा तो मुझे ग्रॉस अमाउंट मिलेगी, जो कि सिंपल लॉजिक से मैं बताऊं तो नेट अमाउंट जो आपको दी होगी उससे ज्यादा होगी, और वो ग्रॉस अमाउंट जो है वो टैक्स पर्पस से कंसीडर की जाएगी अंडर IFOS। चलो यहां तक की चीजें समझ में आई। उसके बाद लास्ट चीज, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। चलो तो गिफ्ट के केस में रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, गिफ्ट हम किसे मानेंगे, पहला तो ये क्वेश्चन है। तो रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और इवन विदाउट कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन, तो उसको गिफ्ट मानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन क्या करेगा, अगर आपको लॉ सब्जेक्ट याद हो, बिजनेस लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें क्या कहते हैं, कंसिडरेशन वाला चैप्टर याद करो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, बिना कंसिडरेशन के वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो अभी कंसिडरेशन के केस में अमाउंट कितनी, तो ये कॉन्सेप्ट था, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी समथिंग। कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो जरूरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए लॉ जिसकी वैल्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जियो क्लासरूम में बैठे हो, उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 करोड़ रुपए कंसिडरेशन ऑब्वियसली पे करेंगे, मेरे पास इनकम मानी जाएगी। आप देखते हो क्या करते हैं, लो प्राइस पर सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या है, कंसिडरेशन में कुछ भी होना चाहिए ना, तो 1.25 लाख रुपए में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.25 लाख रुपए में, तो टैक्स बचाने के पर्पज से। तो यहां पर क्या किया जाएगा, भाई आपने कम कंसिडरेशन दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड पर बाकी की अमाउंट की आपने गिफ्ट दी, ऐसा माना जाएगा, गिफ्ट के ऊपर टैक्स दो। तो गिफ्ट क्या है, पहले तो बिना कंसिडरेशन मुफ्त में मिला है, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ को, मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को, मेरे फ्रेंड को, मेरे पापा को, किसी को भी ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता हूं, कोई पैसा नहीं चाहिए, तो उसको ये चीज मिली, या पैसे देता हूं या तो कोई प्रॉपर्टी देता हूं, तो वो गिफ्ट ही मिली, एक तरह से उसके लिए इनकम ही हुई, तो
तो उसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में टैक्स लगता है। तो देखो, मनी या चेक होता है कोई भी ट्रांजेक्शन में, तो इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा कोई एक या अलग अलग पर्सन से आपको मिले हैं गिफ्ट में, होल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल, होल अमाउंट। क्या बोला है ध्यान से समझो, 50,000 से ज्यादा आपको गिफ्ट मिली, इसका मतलब क्या हुआ, अप टू 50,000 एग्जेम्प्टेड, 50,000 से ऊपर मिला तो फुल अमाउंट पे टैक्स, मतलब 49,000 मिले, 50,000 मिले, कोई टैक्स नहीं। 55,000 मिले गिफ्ट में तो टैक्स किसके ऊपर, 50,000 के ऊपर, 55,000 के ऊपर, 5,000 के ऊपर, या एनी ऑफ द अबव, 55,000 टोटल अमाउंट के ऊपर। सर 50,000 तो एग्जम्पशन दे ही रहे थे ना, नहीं अभी नहीं मिलेगा, 50,000 से ज्यादा की गिफ्ट हो गई ना, फुल अमाउंट पर टैक्स, नो एग्जम्पशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लिमिट याद रखनी है एमसीक्यू के एंगल से और सम के एंगल से भी। रिसिप्ट ऑफ मनी और रिसिप्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, लिमिट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक शेयर हो सकते हैं, कार, व्हीकल, जो कि मूव हो सके वैसी प्रॉपर्टी, तो फ्री विदाउट कंसिडरेशन है। तो इफ एग्रीगेट एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मींस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एक्सीड्स 50,000, देन द होल अमाउंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल। मतलब मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया 40,000 का, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुझे आईफोन दिया गिफ्ट में 1.5 लाख का, 50,000 तक का तो कोई टैक्स नहीं था, 50,000 तक की अगर गिफ्ट है तो। पर ये 1.5 लाख का आईफोन 15 मिला गिफ्ट में, तो टैक्स किसके ऊपर, 1,50,000 के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, 50,000 के ऊपर, जो कि लिमिट है, या एनी ऑफ द अबव, फुल अमाउंट 1,50,000 जो मूवेबल प्रॉपर्टी एफएमवी है फेयर मार्केट वैल्यू उसके ऊपर। कंसेशन रेट पर मिला है, मतलब ये मोबाइल फोन मुझे 50% कीमत पर मिला, 75,000 में, 1.5 लाख का मोबाइल 75,000 में मिला, 75,000 गिफ्ट थी, 50% गिफ्ट वाउचर, तो 75,000 में मिला। तो इफ एग्रीगेट डिस्काउंट ऑन ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एक्सीड्स 50,000, एग्रीगेट डिस्काउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। देखो 1.5 लाख के फोन पर मुझे डिस्काउंट कितना मिला, 75,000, मैंने बोला ना 50%, तो ये डिस्काउंट की अमाउंट क्या हो गई, 50,000 से ज्यादा तो फुल डिस्काउंट की अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगेगा, मतलब 1.5 लाख के ऊपर ही टैक्स पेगा, फुल अमाउंट पे डिस्काउंट कंसीडर नहीं होगा। पर अगर ऐसा है कि मुझे 50,000 डिस्काउंट पर मिल रहा है, 1 लाख के रेट पर मुझे ये आईफोन मिला, 50,000 मुझे डिस्काउंट मिला, अभी टैक्स किसके ऊपर लगेगा, 1.5 लाख के ऊपर, 50,000 रुपए के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, या कोई भी अमाउंट। क्या कहा ध्यान से सुनो, 1.5 लाख रुपए का आईफोन मुझे गिफ्ट में मिला, जिसमें मुझे 50,000 का डिस्काउंट मिला है, मतलब कंसेशन मिला है, तो मैंने 1 लाख रुपए पे किए, 50,000 रुपए डिस्काउंट, लिमिट कितनी है 50,000 रुपए की गिफ्ट की, तो अभी मुझे टैक्स 1 लाख के ऊपर पे करना पड़ेगा 50,000 के ऊपर, या जो मार्केट वैल्यू है गिफ्ट की 1,50,000 उसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर, ये 50,000 तक का जो डिस्काउंट है वही मेरा फायदा हुआ, तो वो तो एग्जम्प्ट मिल रहा है। अगर डिस्काउंट की अमाउंट 50,000 से ऊपर हो रही है तो फिर डिस्काउंट के अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगेगा, बट अगर 50,000 से कम है डिस्काउंट तो फिर डिस्काउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो 1,50,000 के मोबाइल के सामने 50,000 का डिस्काउंट है तो फिर 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग वगैरह, लिमिट फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, देखो इसमें क्या था, ऑल ट्रांजेक्शन का मिला के था, कैश या व्हीकल, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, 1, 2, 3, 4, 4 लोगों ने आके मुझे गिफ्ट दी, 4 लोगों ने आके 25,000 रुपए दिए, ये भी आ सकता है, 4 लोगों ने मुझे 25,000 रुपए की कैश गिफ्ट दी, तो क्या मुझे टैक्स कितने अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा, 0 अमाउंट, 1 लाख अमाउंट, 25,000 अमाउंट, या 50,000 अमाउंट, 1 लाख, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन या सभी ट्रांजेक्शन का मिला के, देखो यहां पर क्लियरली लिखा है ऑल ट्रांजेक्शंस का मिला के एग्जम्पशन कितना है, लिमिट्स कितनी है, 50,000, तो सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन किए वो मिलके 50,000 के ऊपर की अमाउंट चली गई तो फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स। अदरवाइज तो मैं यही करूंगा ना कि सब लोग मुझे गिफ्ट में 49,000 रुपीज देते रहना, फिर सब लोगों के पास से गिफ्ट में 1 करोड़ रुपए में ले लेता हूं,
पूरा एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नहीं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो सब मिला के 50,000 होने चाहिए सेम मूवेबल प्रॉपर्टी में। आईफोन या दूसरे ट्रांजेक्शन, एक काम करा आप मुझे सस्ते सस्ते मोबाइल देना गिफ्ट में, 50-50 हज़ार रुपये वाले मोबाइल या 45,000 वाले मोबाइल आप मुझे गिफ्ट में देना, फिर मैं उसको एक्सचेंज करवा दूंगा, सेल करके आईफोन ले लूंगा। नहीं चलेगा, 50,000 सभी ट्रांजेक्शन का मिला के। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या बोला है, लिमिट फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, क्योंकि यार इमूवेबल प्रॉपर्टी महंगी होती है, लैंड बिल्डिंग सस्ते थोड़ी आएंगे। तो देखो विदाउट कंसिडरेशन है, तो अगर उसकी वैल्यू डोमेस्टिक वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो रही है तो फुल वैल्यू पर टैक्स लगेगा। अगर कंसेशनल इनएडिक्वेट मतलब डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिला है तो सेम डिस्काउंट की अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है या तो फिर 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो डिस्काउंट डिडक्ट होगा। पर अगर 50,000 से ज्यादा हो गया डिस्काउंट कंसेशन तो फिर फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है पर ट्रांजेक्शन। मतलब तीन प्रॉपर्टी मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है तो तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट 50,000 की लिमिट रहेगी, बट मूवेबल प्रॉपर्टी या कैश है तो उसमें सेपरेट नहीं, सब ट्रांजेक्शन का मिला के होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10) ओनली इफ गिफ्ट प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज अ कैपिटल असेट फॉर रेसिपिएंट, इट वुड नॉट अप्लाई इफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज अ पर्सनल इफेक्ट और साइड, ये काम का नहीं है। अमेंडमेंट गिफ्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी फ्रॉम रेसिडेंट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये तो ऑलरेडी आगे आ चुका है रेसिडेंशियल स्टेटस में। फॉलोइंग गिफ्ट आर नॉट टैक्सेबल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, मतलब अमाउंट भले 50,000 से ज्यादा की हो टैक्स नहीं लगेगा। वेल कैलकुलेटिंग द अबव लिमिट 50,000 फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, 50,000 की लिमिट उनको नहीं लगेगी। क्या क्या? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, यहां पर कौन से रिलेटिव, ब्लड रिलेशन वाले, क्लोज रिलेटिव, याद रखना आगे आ चुका है, इनकम वाले में समझाया था गिफ्ट कौन सी इनकम, जो ब्लड रिलेशन वाले क्लोज नेक्स्ट रिलेशन वाले होते हैं उनके पास से गिफ्ट मिलती है तो फिर बाकी तो मैं सब बोल दूं, ये मेरे रिलेटिव, ये मेरे दूर की बहन है, ये मेरे दूर के भाई साहब की बेटी है, भी कोई भी रिलेशनशिप लगा देंगे फिर बोल देंगे गिफ्ट मिली है तो लिमिट मत लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, रिलेटिव के पास से गिफ्ट मिलती है क्लोज रिलेटिव तो लिमिट नहीं लगती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, मेरे मैरिज पर आप लोगों को इन्विटेशन दिया था, बोला था मैं आप लोगों को पैसे दे रहा हूँ कैश में, आप आके मुझे चेक दे जाना, फिर मैं वीडियोग्राफर को रखूंगा जो आप लोग मुझे चेक दे रहे हो और मुझे मिल रहा है वो दिखाऊंगा, फिर दूसरे दिन 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए 10 करोड़ रुपए आ गए, आपने BMW ली, ऑडी ली, बंगलो लिया, टैक्स तो दिया ही नहीं, मैं क्या दिखाऊंगा, मेरे रिसेप्शन की सीढ़ी देखो मैरिज में मिला है। मैरिज में किसी के भी पास से गिफ्ट मिले, किसी के पास से भी गिफ्ट मिले चलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा की गिफ्ट चलेगी, तो आपके मैरिज बाकी हो तो ध्यान रखना, उससे पहले बहुत सारी ब्लैक इनकम आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी, पहले बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे सर, वो तो फिर हमको 50 साल की उम्र में शादी करनी पड़ेगी, तो शादी से पहले अच्छे खासे पैसे अर्न कर लो, फिर वो सारी इनकम को मैरिज में गिफ्ट दिखा के 0% टैक्स दे देना, कन्वर्ट कर सकते हो। गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेई और डोनर, मतलब जो पेई या डोनर है उसकी डेथ पे, गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब मैं मर जाता हूं और मेरी प्रॉपर्टी में से, विल में से मैं इनको डोनेशन दे देता हूं, पैसे दे देता हूं, प्रॉपर्टी दे देता हूं, तो भी उनको लिमिट नहीं लगती है 50,000 की। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल और इनहेरिटेंस, विल मतलब तो यार आ तो हमारे पप्पाए तुम्हारी विल बन, एमनी विल बनाई छे, दादाए विल बनाई छे, तुम्हें सांभियो से मेरे दादाजी की वसीयत, विल वसीयत, तो वसीयत में से आपको जो भी मिलता है तो उसके लिए लिमिट नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि आपके पिताजी ने आपको घर दिया उनकी वसीयत से, तो 5 करोड़ का आप बेरोजगार हो, दादाजी ने बहुत सालों पहले घर खरीदा तो उसकी वैल्यू 5 करोड़ है, आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया तो 5 करोड़ के ऊपर टैक्स लाओ, कहां से लाओ, 5,000 की सैलरी पे काम कर रहा हूं, 5 करोड़ के ऊपर टैक्स कहां से पे करूंगा, तो वो उसमें लिमिट नहीं लगती है।
from local authority, gift from then fifth from registered charitable trust, and gift received by a trust from individual. मतलब ट्रस्ट के तरफ से जो ट्रस्ट फॉर्म करते हैं लोग उसके अंडर में कोई इनकम मिलती है, गिफ्ट मिलती है. कई सारे लोग नहीं डोनेशन करते हैं, मैं ट्रस्ट में डोनेशन करी दईस. वैसे कोई कुछ लोग सच में रियल पर्पज के लिए करते हैं, कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए करते हैं, खुद अपने ट्रस्ट बना देंगे फिर उसमें पैसे आने दो गिफ्ट के फॉर्म में. शिवाजी द बॉस याद करो मूवी, शिवाजी फाउंडेशन में सब लोग डोनेट कर देना, सबको पैसे बांट दो और बोलो शिवाजी फाउंडेशन में डोनेट कर दो, और फिर ट्रस्ट में पैसा है, शिवाजी फाउंडेशन में पैसा है, टैक्स नहीं लगेगा, वाइटर देन वाइट. लोगों के काले पैसे चुरा लिए और खुद ने पूरे वाइट कर दिए, तो उसमें लिमिट नहीं लगती है. वो सारी चीजें वो जानते हैं, वही लोग कर सकते हैं. रिलेटिव्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल किसको माना जाएगा, जो हमने यहां पर देखा ना कि भाई रिलेटिव्स रिलेटिव्स, तो कौन रिलेटिव्स, तो स्पाउस ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल. कजिन नहीं, मुंह बोला नहीं, अने मामा रक्षाबंधन में मैं राखड़ी बांधी थी एनी पासे थी मने मड़ी छे, भाई नहीं चाले. सगो भाई के बहन जो ये स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ चाहिए, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल. मतलब फॉर एग्जांपल मेरी स्पाउस मेरी वाइफ है, उसके भाई या बहन के पास से गिफ्ट मिली तो भी चलेगा. मेरे ही सगे भाई या बहन नहीं बट मेरी स्पाउस के भाई या बहन, वो भी रिलेटिव में आ गए. ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब काका काकी या मामा मामी मासा मासी, वो लोग लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल. लीनियल मतलब दादाजी पिताजी आपड़े आपड़ा बाड़को, लीनियल जे चार्ट जाए छे एचयूएफ नो जे चार्ट जाए एवं, एमाथी कोई नी पासे थी मड़ियो जे एचयूएफ नी हायरार्की में आवे छे ते, तो ए पण गिफ्ट में लिमिट नहीं. सेम लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल मतलब मेरे जो फैमिली का चार्ट है उसमें से किसी के पास से मिला, या मेरी वाइफ के जो फैमिली का चार्ट है असेंडेंट और डिसेंडेंट उनके पास से मिला, रिलेटिव्स में आ जाएंगे. एंड स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रिफर्ड अर्लियर मतलब जो भी सारे पर्सन की बात की उनके स्पाउस मतलब मारा मामा साथे मारा रिलेशन था, मामी तो मामा नी वाइफ चेटला माटे छे, तो मामी पासे थी भी मड़े तो चाले, फुआ पासे थी मड़ियो तो फोई एक्चुअली में रिलेटिव है, बट फोई के स्पाउस है फुआ फुफाजी तो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, तो भी उनके पास से हमको मिलता है तो वो चलेंगे स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द मेंबर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सरी एक्विजिशन करती है सपोज, तो टैक्सेबल इन प्रीवियस रिसिप्ट 50% ऑफ द रिसिप्ट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57, दस ओनली 50% इज टैक्सेबल. याद रखना है लिमिट कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन में आपको पैसा मिला है तो 50% एग्जम्प्टेड, मतलब 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन में मिले कंपल्सरी एक्विजिशन में तो 5 लाख रुपए स्ट्रेट वे एग्जम्प्टेड, 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू द रेसिडेंट, तो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ क्लोजली रेसिडेंट कंपनी, इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. हालांकि इंपॉर्टेंट ये वाला था. देन परमिसिबल डिडक्शन, ये याद रखना कि कितने कितने डिडक्शन परमिसिबल है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स, तो डिडक्शन लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड. इसमें से जो भी कम अमाउंट होगी वो आपको डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड की इनकम में से. दूसरा है कमीशन एंड रेम्यूनरेशन पेड टू रियलाइज द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट या डिविडेंड रियलाइज करने के लिए जो कमीशन या रेम्यूनरेशन पे किया है वो अमाउंट आपको डिडक्शन में मिलेगी. मतलब जो लॉटरी में क्या था, 1000 रुपए की लॉटरी लगी, 100 रुपए उसके पीछे खर्चा किया था तो भी 1000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना था, बट यहां पर कमीशन या रेम्यूनरेशन डिविडेंड या इंटरेस्ट फॉर्म में आया तो उसमें 1000 रुपए का डिविडेंड मिला, उसके पीछे आपको 50 रुपए का खर्चा करना पड़ा, तो फिर 950 के ऊपर ही टैक्स लगेगा. जो खर्चा आपने किया वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. फैमिली पेंशन में 15,000 या 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड, उसमें से जो कम होगा वो एग्जम्प्शन मिल जाता है. एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में रेमिटेड बिफोर
DD by the employer deemed dividend will be deemed as income of the employer earlier, income from letting of plant and machinery, जिसमें करंट रिपेयर्स का अगर कोई खर्चा हुआ है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो माइनस किया जाएगा। मतलब मैंने जेसीबी दिया 15,000 के किराए पे, बट उसमें जो पेट्रोल का खर्चा हुआ, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, वो मुझे डिडक्शन में मिल जाएगा। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया वो डिडक्शन में मिल जाएगा। मतलब 15,000 टैक्स नहीं लगेगा 15,000 के ऊपर, मैंने जो खर्चे किए हैं वो प्लांट मशीनरी के ऊपर वो डिडक्शन में मिल जाएंगे। या नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। एंड इन एडमिसिबल डिडक्शन, ये डिडक्शन एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे। तो पर्सनल एक्सपेंस कोई है वो एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, मतलब रिलेटिव के पास से पैसे मिलते हैं तो डिडक्शन में मिल जाता है, बट एक्सेसिव पैसे हर साल 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं नहीं चलेगा। आपके पापा आपको पॉकेट मनी के खर्चे दे रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बट आपके पापा हर साल 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, सर हूं तो प्रेम थी टैक्स आपके देश, बस पप्पा ने कहो पहला 5 लाख आप है, पर ये एक्सेसिव पेमेंट आता है डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश पेमेंट ग्रेटर देन 10,000 है, 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिस अलाउंस स्टडीड इन पीजीबीपी फॉर टीडीएस डिफॉल्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में विल ऑल्सो अप्लाई इन IFOS। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ये चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर दी है। इतनी चीजों को अगर आप ध्यान से 2-4 बार देखते हो, ये वीडियो को 2-4 बार देखते हो बहुत, और ये नोट्स को जो पूरा टिकमार्क किया हुआ, इससे भी ज्यादा टिकमार्किंग की हुई नोट ऑलरेडी साहस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो, एग्जाम के टाइम पे वही रिफर करो। चाहो तो आप अपनी नोट में इसकी समरी बनाओ, टॉपिक वाइज मैंने सेपरेट कर दिया है, तो हर एक टॉपिक का टाइटल दो, अपने सुंदर सुंदर हाथों से गंदे गंदे अक्षरों में नोट बनाओ ताकि एग्जाम के टाइम पर याद रहे। कापली करने के लिए नहीं भाई, एग्जाम के टाइम पे रिविजन करने के लिए है। कुछ लोग है ना एक्स्ट्रा डेढ़ साढ़े बनते हैं, सर ने अच्छी समरी नोट बना दी है उसका भी ब्रीफ करके मैं छोटी छोटी चिट्ठियां बना देता हूँ, ऐसा मत करना फंसोगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूँ, और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड थ्रू साहस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।